मध्य प्रदेश की 1,31,00,000 बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अगले 10 अक्टूबर से आपको जो किस्त मिलेगी उसमें लाडली बहनों को अब 1,250 रुपये मिला करेंगे। जी हाँ, राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई है। पहले आपको 4 किस्तें 1,000 रुपये की मिली थी। राखी पर आपको 250 रुपये मुख्यमंत्री ने उपहार के रूप में डाले थे शासन की ओर से अपनी बहनों को, और अब उसको जोड़ के 1,250 रुपये कर दिए गए हैं। 10 अक्टूबर को आपके खाते में जब दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो मैसेज आएगा वो 1,250 रुपये का होगा, और ये नियमित रूप से अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, मिला करेंगे, लगातार मिला करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि वे इसे अगले आने वाले कुछ महीनों में 3,000 रुपये प्रति माह पर करने वाले हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। तो आपको बता दें कि 1,250 रुपये अब मध्य प्रदेश की 1,31,00,000 से अधिक बहनों के खाते में अक्टूबर महीने से मिलने लगेंगे। ये आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान है जो देश में शायद ही कहीं चल रहा हो। इसके जरिए मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना उनके समग्र सशक्तिकरण का प्रयास है, जिसमें अभी तक की जो शुरुआती 4 महीनों के आंकड़े हैं या जो तस्वीर है वो बताती है कि सरकार की मंशा जमीन पर कामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम महिलाएं इस राशि का उपयोग अपने घर परिवार बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रही हैं, तो साथ में छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए भी इस राशि का इस्तेमाल कर रही हैं। और यही सरकार की मंशा थी, इस राशि के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, परिवार में निर्णय लेने की उनकी भूमिका को मजबूत किया जाए, परिवार विवश हो कि महिला से भी परिवार के निर्णयों में सलाह ली जाए और उनके जेब में हमेशा पैसा रहे, ताकि वो अपने खुद के खर्चों के लिए, खुद की जरूरतों के लिए पुरुषों पर निर्भर न हो। यही योजना का उद्देश्य था।